सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण पाठ 3 मात्राएं। मात्राएं क्या होती हैं? पहले हम बात करेंगे स्वर और व्यंजन के बारे में। स्वर कितने होते हैं हमारे? अ से अह खाली तक। और व्यंजन क्या होते हैं? कहां से कहां तक? क से श्र तक। तो स्वर क्या होता है? स्वर जब हम उनको उनके मूल रूप में लिखते हैं तो वह उसका क्या कहलाता है? एक स्वर का एक रूप होता है। स्वर के मुख्यतः दो रूप होते हैं, मूल रूप और मात्रा रूप। जब हम स्वरों को ज्यों के त्यों अपने भाषा में प्रयोग करते हैं या शब्द लेखन में प्रयोग करते हैं तो वह उसका मूल रूप होता है। लेकिन जब हम इन्हीं स्वरों को चिन्ह के रूप में लिखते हैं, जैसे कि आ को जब हम मात्रा रूप में लिखेंगे तो यह उसका क्या कहलाता है? जब हमने आ को चिन्ह रूप में लिखा तो वह है उसका मात्रा रूप कहलाया। तो स्वर के मुख्यतः दो रूप होते हैं, मूल रूप और मात्रा रूप। अब हम जानेंगे इनका व्यंजन में प्रयोग। विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे स्वर और व्यंजन के बारे में। जब हम स्वर किसी व्यंजन वर्ण के साथ लिखते हैं तो वह मात्रा के रूप में बदल जाता है। जैसे कि हम क के साथ आ लिखेंगे जबकि यह नहीं लिखा जाता। जब हम आ को व्यंजन के साथ लिखेंगे तो वह उसके चिन्ह रूप में बदलकर उसके साथ लिखा जाएगा, क आ का, न कि स्वर के मूल रूप को व्यंजन के साथ लिखा जाएगा, उसके चिन्ह रूप को व्यंजन के साथ लिखा जाएगा। जैसे आप देखिए छोटी ई को हम यू नहीं लिखेंगे, क छोटी ई, स्वर का मूल रूप प्रयोग नहीं होगा, इसको चिन्ह रूप में व्यंजन के साथ प्रयोग किया जाएगा जो कि उस क्या कहलाता है? मात्रा रूप। विद्यार्थियों, अब आप समझ गए होंगे स्वर के रूप, मूल रूप और मात्रा रूप। अब हम समझेंगे स्वर के जो मूल रूप है उनको जब हम चिन्ह रूप में व्यंजन के साथ किस प्रकार प्रयोग करते हैं, उस चिन्ह रूप को हम क्या कहते हैं? मात्रा रूप। अ का कोई मात्रा रूप नहीं होता, यह सभी व्यंजनों में सामान्य रूप में अ वर्ण छिपा रहता है, जो कि मैंने आपको वर्ण विच्छेद में भी समझाया था कि हर व्यंजन में अ की आवाज छिपी रहती है, इसलिए हम क हलंत प्लस अ लिखते हैं। आ को चिन्ह रूप में इस प्रकार लिखा जाता है और यह मात्रा व्यंजन के दाहिनी ओर लगती है। कि यह मात्रा व्यंजन के बाईं ओर लगती है। ई, यह मात्रा व्यंजन के दाहिनी ओर लगती है। ओ की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है किंतु र वर्ण के बीच में लगती है। ऊ, यह मात्रा भी व्यंजन के नीचे लगती है परंतु र वर्ण के बीच में लगती है। जैसे कि बड़ा ऊ, इसे बोलेंगे ऊ, यह मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है किंतु र वर्ण के बीच में लगती है। रि, यह मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है। ए, यह मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है। आई, यह मात्रा भी व्यंजन के ऊपर लगती है। ओ, यह मात्रा व्यंजन के दाहिनी ओर लगती है। अब हम पढ़ेंगे औ की मात्रा। औ मात्रा में यह मात्रा व्यंजन के दाहिनी ओर लगती है, कै औ कौ। अं, यह मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है, कन बन गया कन। यह मात्रा व्यंजन के
दाहिनी ओर लगती है जिसका उच्चारण हो जाता है कह। इस प्रकार विद्यार्थियों आप समझ गए होंगे स्वर के मूल रूप और मात्रा रूप के बारे में। मूल रूप मतलब स्वरों को ज्यों के त्यों लिखना, वह कहलाता है मूल रूप। और जब हम स्वरों को चिन्ह रूप में व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखते हैं तो वह कहलाता है मात्रा रूप। जब स्वरों के चिन्ह व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखे जाते हैं, अब इस प्रकार आप जानेंगे मात्राएं केवल स्वरों की होती हैं, यह केवल व्यंजन वर्णों पर लगती हैं। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती। और जब स्वरों के चिन्ह व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखे जाते हैं तो वे मात्रा कहलाते हैं। धन्यवाद।